के बिल्कुल आखिरी हिस्से पहुंच गए हैं हम। 9:44 हो रहा है बस। इस वक्त देश के अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज पे परीक्षाएं कब होंगी, नया सेशन कब शुरू होगा, एडमिशन की प्रक्रिया किस तरह पूरी की जाएगी, इन तमाम सवालों के जवाब हमने इस रिपोर्ट पे आपके लिए संजोए हैं। देखिए, कोरोना संकट की वजह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। यूजीसी का नया शैक्षणिक कैलेंडर 2019-20 के मौजूदा सत्र और 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए जारी हुआ है। मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से गठित 5 सदस्यीय कमेटी की तरफ से 2019-20 सत्र के लिए तैयार किए गए कैलेंडर के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस 31 मई 2020 तक चलेंगी, गर्मियों की छुट्टी 16 जून से 30 जून 2020 तक रहेंगी, टर्मिनल सेमेस्टर यानी वार्षिक परीक्षा के नतीजे 31 जुलाई 2020 को आएंगे, इंटरमीडिएट सेमेस्टर यानी वार्षिक परीक्षा 15 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक होगी, इंटरमीडिएट सेमेस्टर यानी वार्षिक परीक्षा के नतीजे 14 अगस्त 2020 को आएंगे। अब आपको बताते हैं कि नए सत्र यानी 2020-2021 के लिए यूजीसी के कैलेंडर में क्या है। सेकेंड और थर्ड ईयर की क्लासेस 1 अगस्त 2020 से शुरू होगी। पहले सेमेस्टर का नया बैच 1 सितंबर 2020 से लिया जाएगा। परीक्षाएं 1 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक होंगी। इवन सेमेस्टर क्लास 25 मई 2021 को खत्म होंगी। परीक्षाएं 26 मई 2021 से 25 जून 2021 तक होंगी। गर्मियों की छुट्टी 1 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक होंगी। नया सेशन यानी अगला सेशन 2 अगस्त 2021 से शुरू होगा। वो ये निर्णय लिया है कि जो ये एकेडमिक कैलेंडर है और विशेष करके जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं की दिशा में जो परीक्षाएं हैं वो जब ये स्थिति बहुत सामान्य हो जाएगी तो जुलाई में इन परीक्षाओं को किया जाएगा। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से असमंजस में फंसे लाखों छात्रों को मौजूदा और नए सत्र से जुड़े यूजीसी के इस कैलेंडर से जरूर राहत मिलेगी।